अभी हम नवादा के गोवर्धन मंदिर में हैं और मंदिर जो है कितना भव्य और खूबसूरत बनाया गया है आप देख सकते हैं। और यहाँ मौजूद कुछ लोग भी हैं तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि और कहाँ से घूमने के लिए आए हैं। ये ना कहाँ से आए हैं? नाम क्या है आपका? अजबा कुमार। क्या? अजबा कुमार। ये मंदिर घूमने के लिए आए थे? हाँ जी। कैसा लग रहा है मंदिर? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ और भी कुछ लोग हैं, एक मिनट। कहाँ से आए हैं? उषा से आए। क्या नाम है आपका? उमेश यादव। घूमने के लिए आए थे क्या? जी। कैसा लगा मंदिर में घूमने? मंदिर तो बहुत सही लगा। मंदिर की चर्चाएं जो है जिले के साथ साथ क्षेत्रीय जिलों में भी की जा रही है। अच्छा, ये इतना भव्य और सुंदर जब मंदिर है तो ये मंदिर घूमने के अनुभव आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा जी। यहाँ और भी कुछ लोग हैं, हमसे जानने की कोशिश करेंगे कि मंदिर जो है मंदिर के बारे में इनका क्या विचार है। क्या नाम है आपका? शिशुपाल। घूमने के लिए आए थे? यस। कैसा लगा घूम करके? अच्छा लगा। आप कहाँ से आए हैं? उषा से। सही है। और मंदिर का ये जो गोवर्धन मंदिर है ये नवादा की एक पहचान बन चुकी है। इसका जीर्णोद्धार जो है स्थानीय नेता राजबल्लभ प्रसाद यादव जी किए हैं। आप उनके बारे में आपकी क्या राय है? ठीक है, अच्छा। और यहाँ और भी लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। कहाँ से आए? उषा से। कैसा लगा मंदिर? बहुत अच्छा लगा, सुकून भी मिला कुछ। यहाँ देख सकते हैं ये शंकर जी और हनुमान जी और राधा कृष्णा जी का मंदिर है और काफ़ी भव्य और आकर्षक मंदिर का निर्माण कराया गया है जो देखने में काफ़ी रोचक और आकर्षक है। और यहाँ दूर दूर से काफ़ी लोग भी आ रहे हैं घूमने के लिए, जो जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसा लग रहा है। एक मिनट सर। हेलो सर, कहाँ से आए? नवादा से। मंदिर के बारे में आपकी क्या राय, कैसा अनुभव हो रहा है? हम पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं, इतना आकर्षक नाम तो सुने थे, ऐसा नहीं है। इस मंदिर के सर चर्चाएं जो है जिले के साथ साथ क्षेत्रीय जिलों में भी की जा रही है। ये इस नवादा की एक पहचान बन चुकी है मंदिर। ये मंदिर घूमने के बाद आपको कैसा लग रहा है? अभी तो जस्ट आए हैं, ठीक है, अभी आए हैं। और दर्शन करने के बाद घूमने में क्या, आपको टेम्पल अच्छा बना, काफ़ी खूबसूरत है, नो डाउट, ठीक है। बट इनमें जो लोग इनको भव्य बनाने में जितने सहयोग किए हैं, सबसे पहले तो उनको थैंक यू बोलना चाहिए। सर, इस मंदिर का जीर्णोद्धार जो है जैसा कि स्थानीय नेता व पूर्व विधायक श्री राजबल्लभ प्रसाद यादव जी एवं उनके परिवार के द्वारा कराया गया है, तो उनके प्रति सर आपकी क्या राय है? नवादा जिला इन लोगों का आभारी रहेगा और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, नो डाउट, बहुत अच्छा किए हैं, मंदिर बनाए हैं और लोग यहाँ पास, इसका अभाव था नवादा में, इसका अभाव था कि एक अच्छा मंदिर का, और इन्होंने जिस टाइप से बनाए हैं काफ़ी अच्छा है और इनको प्रोत्साहन देना चाहिए लोगों से। अरे प्रोत्साहन का अर्थ क्या है? थैंक यू का तो बनता है, नो डाउट बनता है, ठीक है। जिले का एकमात्र मंदिर है। हाँ जी। और यहाँ और भी कुछ लोग हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये मंदिर के बारे में जो है इनकी क्या राय है। कहाँ से आए हैं? मैं यहीं की हूँ, बट पहली बार आई हूँ मंदिर। मंदिर आप जो घूम रहे हैं तो कैसा लगा आपको? देखिए, नवादा में एक ऐसी जगह जहाँ पे ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस का कोई पहले से मंदिर नहीं था, वहाँ पे एक भव्य मंदिर बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस मंदिर की पहचान जो है नवादा जिले के रूप में की जा रही है और इसकी चर्चाएं जो है जिले के साथ साथ क्षेत्रीय जिलों में भी की जा रही है। और इस मंदिर का निर्माण जो है स्थानीय नेता व पूर्व विधायक श्री राजबल्लभ प्रसाद यादव जी द्वारा कराया गया है, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, वो तो बहुत यहाँ के मतलब ऐसे नेता हैं जो बहुत काम किए हैं यहाँ के लिए जी। और जनता के लिए, भलाई के लिए किए हैं। और अभी क्या है कि इसके कारण अगर नवादा को एक ऐतिहासिक तौर पे अगर मिल रहा है एक जो है ना ओहदा कि यहाँ भी बहुत कुछ है, लोग आएंगे, टूरिस्ट स्पॉट ये बहुत जल्द बनेगा बोधगया की तरह, पड़ोसी नालंदा की तरह, तो इसके लिए भी एक विकास के लिए एक अच्छा रहेगा। नवादा जिले की पहचान एक गोवर्धन मंदिर के नाम से ही नवादा जानी जाएगी, होनी चाहिए जी। आपका नाम? मेरा नाम कुंदन कुमार है। कहाँ से हैं? हम मधुबनी जिला से हैं। ये यहाँ घूमने के लिए आए थे? हम घूमने के लिए यहाँ पे आए हैं, मेरे दोस्त। स्पेशल घूमने के लिए आए हैं? हाँ, स्पेशल घूमने। देख सकते हैं कितने दूर दूर से इस मंदिर को देखने के लिए लोग आ रहे हैं, तो आप मधुबनी जिले से केवल घूमने के लिए आए हैं? घूमने के लिए यहाँ पे आए। तो कैसा लगा इस मंदिर के बारे में आपकी क्या? ऐसा मंदिर तो मैं नहीं देख रहा हूँ कहीं पे बिहार में बना हुआ है, मतलब इस टाइप से जिसे कंस्ट्रक्शन किया गया है वैसा तो कहीं नहीं है, तो इसीलिए मैं आया देखा हूँ कि कैसा है नहीं है, वो सब देखने के लिए। मंदिर का जो रूप है दक्षिण भारतीय शैली का रूप दिया गया है। मदुरा वगैरह की जो मंदिर है वो खास करके ऐसी दिखती है, ऐसे आर्किटेक्चर की। तो आप उतना दूर से घूमने के लिए आए हैं, ये देख सकते हैं कितना दूर से ये भैया घूमने के लिए आए हैं और काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, तो इस मंदिर का जो आप घूमे हैं तो कैसा, मतलब आपको अनुभव कैसा हुआ? अनुभव बहुत ही अच्छा लगा कि अगर देखा जाए तो साउथर्न अगर इंडिया में तो ऐसा मंदिर है, लेकिन अगर देखा जाए नॉर्थन इंडिया में तो है नहीं ऐसा, तो फर्स्ट ऐसा है कि अच्छा फीलिंग दे रहा है, बस यही मैं बोलना चाहूँगा। यहाँ और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करें। कहाँ से आए हैं?
बोलिए बोलिए कहाँ से आए? फतेहपुर से। फतेहपुर से मंदिर घूम लिए? हाँ, कैसा लगा घूमने के बाद? ठीक लगा, बहुत अच्छा। इस मंदिर का जो निर्माण है यहाँ के स्थानीय नेता व पूर्व विधायक श्री रायबल्लभ प्रसाद यादव जी द्वारा कराया गया है, आपको उनके बारे में क्या कहना है? हमारा आप देख सकते हैं यहाँ मौजूद लोग, कई सारे लोग थे जिन्होंने मंदिर के बारे में अपनी अनुभव बताया। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।